कि 16 अक्षर का मतलब होता है श्री राजजी महाराज श्री कृष्ण 16 कला से परिपूर्ण है, इसलिए 16 अक्षर का मंत्र हम कृष्ण प्रणामियों को प्रदान किया गया। तो जो जिस मंत्र का हम जप करते हैं वह 16 अक्षर का मंत्र है। और उसके बाद महामति श्री प्राणनाथ जी आए, उन्होंने भी आकर के 3 बार माया में युद्ध किया। पछे तो गत मत मारी हरि लई बस पोता ने करी, अंतिम बार में तो माया ने मुझे मायामय बना दिया, माया का ही रूप मुझे दे दिया। इसलिए स्वयं श्री प्राणनाथ जी महाराज स्वयं सदगुरु देवचंद्र जी महाराज भी इस धरती में आए तो धरती के एक एक पदार्थ को स्वीकार किया। करना पड़ता है, जिस जगह जाएंगे वहां का कानून हम पर लागू होगा। आप मान लीजिए अमेरिका की यात्रा करेंगे तो अमेरिका के कानून के हिसाब से आपको रहना होगा। चीन जाएंगे जापान जाएंगे जिस देश में जाएंगे उस देश का कानून हम पर लागू होगा। दूसरे देशों की बात छोड़ दीजिए, अगर भारत में भी प्रांत बदलेंगे सरकार बदलेगी उसी प्रांत का कानून आप पर लागू हो जाएगा। तो जहां जाएंगे वहां का कानून हम पर लागू होगा, उसी के अनुरूप हमें चलना होगा। तो श्री कृष्ण जगत में आए हैं तो जगत के हिसाब से श्री कृष्ण को भी चलना पड़ेगा। ब्रह्मा जी के कानून के दायरे में आए ना, लेकिन अपने पुत्र के कार्य क्षेत्र में आए तो पिता को भी पुत्र के ढंग से ही चलना होगा। तो देखो पूतना आ गई है ना, पूतना आ गई है। तो पूतना ने आकर के क्या किया, विबुध्यतां बालक मारिकाग्रहं चराचरस्यात्मनिमीलिते क्षणं अनन्तमारोपयदङ्कमन्तकं यथोरगम सुप्तम बुद्धिरज्जुधीः। भगवान श्री कृष्ण पालने में झूल रहे ना, जैसे पूतना आई जैसे ही गोकुल में प्रवेश करने का मन हुआ उसके विचार बदल गए। ओहो गोकुल में जा रही हूं मैं, गोकुल का मतलब होता है श्री कृष्ण की भूमि में जा रही हूं, तो मुझे अपने आप को बदल करके जाना होगा। पूतना राक्षसी के रूप में आई, वहां आने के बाद पूतना ने अपना रूप बदल लिया, बड़ी सुंदर बन गई पूतना, बड़े सुंदर नयन नक्श उसके बन गए, सुंदर उसने श्रृंगार कर लिया, अपने सुंदर बालों में चमेली इत्यादि के पुष्प के गुच्छ लगा लिए, सुंदर श्रृंगार प्रसाधन से युक्त होकर के पूतना आई। पूतना की सुंदरता को देख करके वहां पे जितनी स्त्रियां माताएं बहनें नारियां खड़ी थी सब अलग अलग हो गए, सबने आने का मार्ग दिया। और आने का मार्ग दिया, यहां तक स्वयं यशोदा मैया भी अलग हो गई, श्री कृष्ण से दूर हो गई, उनको लगा कि शायद स्वयं लक्ष्मी मैया आई हो भगवान को आनंद देने के लिए, भगवान को खिलाने के लिए। ऐसा सोच करके यशोदा मैया भी वहां से अलग हो गई। पूतना ने देखा अब यहाँ पे कोई नहीं है, ऐसा सोच करके पूतना ने झुक करके श्री कृष्ण को देखा। जैसे पूतना ने श्री कृष्ण को देखा तो भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। भगवान ने सोचा मुझे पूतना को नहीं देखना चाहिए, क्यों कि पूतना है ये बकासुर की बहन बकी है, बकी को मैं क्यों देखूं, पहली बात। दूसरी बात, ऐसा भी हो सकता है कि भगवान नेत्र बंद करके सोचने लगे पूतना मुझे मारने के लिए आई है, अब इसको कौन सी गति मुझे देनी चाहिए, मुक्ति तो मैंने मेरी मैया को दे दिया है, मोक्ष तो मैंने मेरी मां को देना है, तो पूतना को मैं क्या दूं, मुक्ति से ऊपर तो कुछ नहीं है, इसलिए हम तो चाहती हैं आपसे बिछोड़ जो हुआ है, आपके मिलन के प्रतीक्षा में जो हम रो रहे हैं, अपने नेत्रों से अश्रु धारा बह रही है और हमें तो इतना ही चाहिए तुम्हारी मिलन की प्रतीक्षा हर पल घटे और वो आनंद की अनुभूति हो। दूसरी बात, तुम्हारी भक्ति मिले, हम तुम्हारी सेविका बनकर के रहे जीवन भर, तुम्हारे चरणों की दासी बनकर के रहे, तुम्हारी भक्ति मिले, हमें मोक्ष नहीं चाहिए। मोक्ष क्या है, एक बार मिल गया समाप्त हो गया, लेकिन तुम्हारे चरण कमल तो दूर हो जाएंगे, तुम्हारे चरण कमलों से हम सदा सदा के लिए दूर हो जाएंगे।
इसलिए हम तो इतना ही जानते हैं, मोक्ष न मिले तुम्हारे चरणों का आनंद मिले, तुम्हारे चरणों में रहने का सौभाग्य मिले। तो ये बड़ी सुंदर बातें गोपियां भागवत में कहती हैं। तो पूतना ने जैसे श्री कृष्ण को देखा तो श्री कृष्ण नेत्र बंद कर लिए, तो सोचते हैं कि मैंने मां को तो मोक्ष देना है लेकिन मैं पूतना को क्या दूं, ऐसा सोच करके भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। या तो ऐसा भी हो सकता है भगवान ने नेत्र बंद करके सोचना प्रारंभ किया, ये बकासुर की बहन बकी पूर्व जन्म में कौन थी, पूर्वजन्म में ये कौन थी, बलि राजा की पुत्री रत्नमाला हुआ करती थी, रत्नमाला। जब बलि राजा के पास भगवान वामन देव आए, बड़े से सुंदर वामन अंगुल के बनकर के आए, तो रत्नमाला अविवाहिता थी, विवाह अभी नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी उसके स्तन से दूध झरने लग गए, वात्सल्य जग गया, वात्सल्य का प्रेम जग गया, काश अगर यह बालक मेरी गोद में बैठे, इसे मैं दूध पिलाऊं, ये मेरा बेटा हो जाए, ये मेरा बच्चा हो जाए, ऐसा अनुभव किया। और भगवान वामन देव ने सोचा, हे रत्नमाला तुम्हारी इच्छा मैं अगले जन्म में पूरी कर दूंगा, इस जन्म में तो नहीं हो सकता। तो ये रत्नमाला बलिराजा की बेटी अगले जन्म में बकासुर की बहन बकी बन करके आई, और लेकिन दुष्ट थी ना, जब भगवान वामन बन करके गए तो प्रेम जगा, जब भगवान ने विराट स्वरूप बना करके धरती को नापना प्रारंभ किया और बलि राजा के सिर पे अपना चरण रखा तो इसको क्रोध आ गया, इसको तो मैं मार डालूंगी, कच्चा ही चबा डालूं, ऐसा मन में आया। दो भाव जगा ना, एक भाव जगा दूध पिलाने का, एक भाव जगा मारने का। भगवान ने दोनों इच्छा पूर्ण करने के लिए पुतना को अपने पास अपनी योग माया के द्वारा बुलाया, तुम्हारी इच्छा भी पूर्ण करने का समय है, बड़ी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तुम्हारा दुग्ध पान नहीं कर पाऊंगा, जब मैं 10-12 साल का होऊंगा तो तुम्हारा दूध नहीं पी पाऊंगा, तुम्हें दूध पिलाने का मन है तो अभी आ जाओ, अभी मुझे दूध पिला लो, और तुम्हें मारने का मन है अभी मुझे मारने आ जाओ। तो भगवान सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं, इसलिए भगवान का एक नाम है भक्तवांछा कल्पतरु। भगवान का क्या नाम है, भक्तवांछा कल्पतरु। भक्त ने मन में सोचा तो उसको पूर्ण करते हैं भगवान श्री कृष्ण, इसलिए भक्तवांछा कल्पतरु हैं, भक्त की हर इच्छा को पूर्ण करते हैं। इसलिए भगवान को लेकर के कभी बुरा तो नहीं सोचना चाहिए, भगवान को लेकर के सदा अच्छा ही सोचते रहना चाहिए। भगवान को लेकर के बुरा सोचेंगे तो पूतना की तरह हमारा हाल हो जाएगा, इसलिए सदा अच्छा सोचें, भगवान आए, भगवान लीला करें, भगवान के दर्शन हो, ये सारी बातें हम सोचें, लेकिन भगवान को मारने का तो न सोचें, भगवान क्या है कुछ नहीं है ऐसा कभी न सोचें। तो क्या हुआ, भगवान सुखदेव जी महाराज यहां पे लिखते हैं, अनंत बारो पयदंक मंतकम। पूतना को पता ही नहीं चला कब उसने स्वयं यमराज को गले लगा लिया, क्योंकि पूतना के लिए तो भगवान यमराज की तरह ही आ गए ना। और यथोरगम सुप्तम बुद्धि रज्जुधि, पूतना को ऐसा लगा कि ये तो रस्सी है, रस्सी, लेकिन पूतना को इस बात का ज्ञान ही नहीं हुआ, इस निकृष्ट रस्सी नहीं है, तेरे को मारने के लिए सर्प बनकर के वहां पे बैठे हुए हैं। सुप्तम बुद्धि रज्जुधि, रज्जु विचार से सोचा ये तो कोई रस्सी है, उठाऊंगी और इसको दूध पिलाने के बहाने निचोड़ करके मैं मार दूंगी, जहर पिला करके मार दूंगी, लेकिन ऐसा संभव होना नहीं था। तो उसी समय पूतना ने श्री कृष्ण को उठाया, अपने छाती से लगाया है, दुग्ध पान कराना प्रारंभ किया है, भगवान ने पूतना के स्तन में लगे हुए जहर को चाट लिया। भगवान को जहर का असर नहीं होता, भगवान ने जहर को चाटा और जहर को चाटने के बाद पूतना के दुग्ध को पीना प्रारंभ किया। पूतना का दूध पीते पीते पूतना का दूध स्तन से समाप्त तो हो गया, क्योंकि पूतना के दूध स्तन में नकली दूध था, असली दूध तो था ही नहीं। असली दूध तो तभी आता है जब उसके गर्भ में बालक आए, पूतना के तो कोई बच्चे थे ही नहीं।
तो पूतना तो माया जन्य दूध पिला रही थी, भगवान को माया का दूध पिला रही थी। माया से स्तन में दूध भरा, वही दूध भगवान को पिलाए। तो भगवान तो मायापति है, भगवान को तो सब पहले से पता है कि पूतना के स्तन में दूध है या नहीं, भगवान पहले से जानते हैं। भगवान से क्या छुपता है, भगवान से कोई छुप ही नहीं सकता। भगवान तो सभी को जानते हैं, सबका जानते हैं, सभी के विषय में जानते हैं, उनसे कोई बिलग तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो घटघट वासी हैं, हर प्रत्येक प्रत्येक व्यक्ति के अंतर निवास करने वाले हैं, इसलिए भगवान से कुछ छुप ही नहीं सकता। ऐसा पूतना को भगवान ने पहले जहर चाटा, और जो नकली दूध माया जन्य दूध अपने स्तन में प्रकट किया था उसको भगवान ने पी लिया। अब दूध पान पूर्ण होकर होने के बाद भगवान ने पूतना के प्राणों को खींचना प्रारंभ किया। जैसे पूतना के प्राणों को खींचना प्रारंभ किया तो पूतना चिल्लाने और चीखने लगी, सामुंच मुंचाल मिति प्रभासिनी निष्पिड्यमाना खिल जीव मरमणि बिभ्रत नेत्रे चरणौ भुजौ मुहु प्रश्विन्न गात्रा क्षिपति रुरोद। वह बकी कहने लगी, मुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी, मुंच मैनी मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, ऐसा बोलने लगी मुंह से। क्या बोलती है, पुत्र ना, ऐसा बोलने लगी, हे पुत्र नहीं, ऐसा बोलने लगी, पुत्र नहीं, पुत्र ना, ऐसे बोलने लगी। भगवान ने अपनी अणिमा नाम करके सिद्धि के द्वारा पूतना को हल्का बनाया और पूतना को आकाश में उड़ा करके ले जाने लगे। भगवान ने सोचा पूतना अगर यही मरेगी तो बड़े सारे क्षेत्रफल को नुकसान पहुंचाएगी, पूतना के मरने से बड़े सारे गाय बछड़े ग्वाल बाल भी दब करके मर जाएंगे, बड़े सारे मकान भी दब जाएंगे, तो क्यों न ऐसा किया जाए, पूतना के शरीर को उड़ा करके जमुना के किनारे जो कंस का बगीचा लगा है वहीं पर ले जाकर क्यों न गिरा दिया जाए। भगवान ने अपनी शक्ति के द्वारा पूतना को हल्का बनाया और आकाश मार्ग से उड़ा करके ले जाने लगे। पूतना आकाश मार्ग से उड़ करके जाने लगी तो नीचे सब लोग देखते हैं ऊपर आकाश की ओर, एक औरत है जिसके छाती में छोटे से नन्हे से छह दिन के श्री कृष्ण है, औरत उड़ती हुई कहीं जा रही है जमुना जी के तरफ, जमुना जी के किनारे, और मुंह से बोल रही है पूत ना, ऐसा बोल रही है, पूत नहीं, ऐसा बोल रही है। तो नीचे के लोगों ने आवाज लगाना शुरू किया, ग्वाल बाल सब दौड़े दौड़े यशोदा मैया के पास गए, एक औरत आकाश में उड़ रही है, पूतना पूतना बोल रही है, सब लोग आए और आकाश में देखने लग गए, लेकिन बचा नहीं पाए श्री कृष्ण को। और उस औरत को आकाश में जाते हुए देखा तो जगत के सभी लोगों ने उस स्त्री का नाम पूतना रख दिया, उससे पहले उसका नाम बकी है, पहले नाम बकी है बाद में उसका नाम पूतना बन गया, क्योंकि अपना नाम स्वयं वो ले रही थी, पूतना पूतना बोल रही थी तो नाम पूतना पड़ गया ना। और आकाश मार्ग से ले जाकर के कंस के बगीचे में धड़ाम से पूतना को गिरा दिया, पूतना का प्राणांत तो हो गया, पूतना की मृत्यु हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे पूतना की मृत्यु हो गई उधर भगवान श्री कृष्ण छाती में, पूतना की छाती में मस्ती से खेल रहे हैं, बड़ा आनंद ले रहे हैं पूतना के छाती में, लेकिन पूतना का शरीर लोहे जैसा कठिन है, पुतना का शरीर नरम नहीं है, लोहे जैसा अत्यंत सख्त है पुतना का शरीर, लेकिन जैसे भगवान का स्पर्श पुतना के देह को हुआ पुतना का शरीर अत्यंत मुलायम बन गया। शरीर तो लोहे की तरह था, अत्यंत सख्त पत्थर की तरह था, लेकिन भगवान के स्पर्श के संयोग में आने से पूतना का शरीर तो इतना नरम बन गया जैसे उसकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती। नरम नरम पूतना का देह है, उस देह में भगवान कृष्ण आनंद ले रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो अब उधर से नंद बाबा लौट करके आ गए, जैसे नंद बाबा लौट करके आए आकर के वहां पे देखा
वसुदेव जी महाराज तो मुझे बार बार कह रहे थे, आज छठवां दिन है, कोई बहुत बड़ी घटना घटने वाली है, ये सब यहाँ पे पूरे ग्रामवासी कोई भी नहीं है, सब कहाँ चले गए, सबको ढूंढते 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 गए, सब दौड़े दौड़े जा रहे हैं, भागे भागे जा रहे हैं जमुना जी के किनारे। और वसुदेव नंद बाबा भी वहां पहुंचे तो जाकर के देखा बहुत बड़े शरीर वाली एक स्त्री मरी पड़ी है, और उस स्त्री को मरी हुई अवस्था में देख करके नंद बाबा ने कहा, और यह स्त्री यहां ऐसे मरी पड़ी रहेगी तो सड़ जाएगी, दुर्गंध आएगा शरीर से, इसलिए इसके शरीर को अलग अलग टुकड़ा करके चिता में रख करके अग्नि संस्कार कर देना चाहिए। तो नंद बाबा के कहने से सब लोगों ने मिल करके उस स्त्री के शरीर को टुकड़े टुकड़े में विभाजित किया और अलग अलग चिताएं सजा करके देह को अग्नि को सुपुर्द कर दिया गया, अग्नि प्रज्वलित होने लगी, शरीर जलने लगा। तो जब शरीर जलने लगा तो जलते हुए शरीर से सुगंधी आने लगी, धूमश्चा गुर सौरवः, अगरबत्ती जलने की तरह अत्यंत सुंदर, नासिका को अच्छी लगने वाली सुगंधी आने लगी। तो इस पर भगवान सुखदेव जी महाराज ने कहते हैं, भूतनालोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघान सयापि हरे स्तनम दत्वाप सदगतिम। पूतना जो पवित्र नहीं है, पूतना, पूत का मतलब होता है जो पवित्र, नाम तो नहीं, जो शरीर से बिल्कुल अपवित्र है। और दूसरी बात, लोक बालग्नि कार्य भी अच्छा नहीं करती है, बच्चों को मारने का काम करती है, जाति से भी अच्छी नहीं है, राक्षसी जाति की स्त्री है। रुधिरासना पीती क्या है, खाती क्या है, मांस भक्षण करती है और रुधिर खून पीती है, रक्त का पान करती है। जिघान सयापि हरये, मारने का सोचती है, अगर मेरे को मिले तो भगवान की भी मैं हिंसा कर दूं, भगवान को भी मार दूं, ऐसा सोचने वाली स्त्री। लेकिन स्तनम दत्वाप सदगतिम, स्तन पान कराने से ही मोक्ष मिल गया, एक बार भगवान को अपना दूध पान कराया तो उसको सदा सदा के लिए सदगति मिल गई। किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने, अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के द्वारा परमात्मा के नाम का उच्चारण करेगा तो क्या उसको मुक्ति नहीं मिलेगी? यानी भगवान सुखदेव जी कहते हैं अवश्य ही मिलेगी। इसलिए भगवान की भक्ति में एकाग्रता, भगवान की भक्ति में तल्लीनता, भगवान की भक्ति में समर्पण, भगवान की भक्ति में निष्ठा और भगवान की भक्ति में पूरी तरह से समर्पित हो जाना चाहिए, तो पापी से पापी व्यक्ति भी तर जाता है। ये पूतना की इस सुंदर दृष्टांत से हम सबको पता चलता है। यमुना तट पर नंद का लाला, जब जब रास रचाए रे, तन मन डोले सखी वृंदों का, गांधव वंशी मधुर बजाए रे। महामती प्राणनाथ चतुर्थ शताब्दी महोत्सव के पावन प्रसंग में श्रवण कीजिए परम पूज्य स्वामी श्री श्यामानंद जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा, प्रतिदिन रात्रि 9:20 पर सिर्फ जय पारस चैनल पर।